नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। आईबीसी 24 की खास पेशकश जनकारवा में आपका स्वागत है। बाबा महाकाल की नगरी से जनकारवा का सफर शुरू हुआ और आज बुंदेलखंड के बेहद महत्वपूर्ण जिले में हमारी टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त हम टीकमगढ़ में मौजूद हैं। टीकमगढ़ में हमारी जन चौपाल लगी है। कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हमारे साथ न सिर्फ खास आदमी बल्कि आम आदमी मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि इस एक घंटे के शो के दौरान हम स्थानीय समस्याओं को उठाएं, स्थानीय मुद्दों को उठाएं, ऐसे मुद्दों की पड़ताल करें जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए बेहद ज़रूरी है। टीकमगढ़ आखिर क्यों नहीं उस तरीके से डेवलप हो पाया जिस तरीके से टीकमगढ़ के लोगों ने उम्मीद की थी। फिलहाल मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत कर सीधा हाथ आगे करें और मेरे साथ दोहराएं, मैं शपथ लेता हूं कि भारत के लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। चलिए कार्यक्रम, आप बैठ सकते हैं सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है टीकमगढ़ और टीकमगढ़ में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है उसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों ही दलों के लिए सत्ता में वापसी या फिर सत्ता को बचाए रखना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं टीकमगढ़ के स्थानीय समस्याओं पर बात करूंगा। सबसे पहले युवाओं से शुरू करता हूं। आप ये बताइए टीकमगढ़ में उस तरीके से रोजगार उपलब्ध हो पाए जिस तरीके से उम्मीद की गई थी या जिस तरीके के वादे किए गए थे? नहीं किए गए। जिस तरह से रोजगार के वादे किए गए, उम्मीद की गई, वो नहीं हो पाया। रोजगार के लिए क्या संसाधन है टीकमगढ़ में? कुछ भी नहीं है जी। जो बीजेपी ने कहा है वो कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए तो खास तौर पर और भी कुछ भी नहीं है जी। आप क्या मानते हैं युवाओं के लिए क्या है रोजगार के साधन? कुछ भी साधन नहीं है। बीजेपी पार्टी के राज में बेरोजगारी ज़्यादा पाई जा रही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बीजेपी के राज में। इसलिए अब की बार बदलाव है और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से बीजेपी घोषित। अभी चुनाव में 4 महीना है लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी की चर्चा हर जगह हो रही है, मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, टीकमगढ़ की क्या स्थिति देखते हैं? टीकमगढ़ में क्या आप लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो पाया? टीकमगढ़ में रोजगार के कोई भी साधन नहीं है। टीकमगढ़ का युवा बाहर के लिए पलायन करने के लिए मजबूर रहता है क्योंकि यहाँ कोई भी रोजगार के साधन नहीं है, ना ही इस पार्टी से कोई उम्मीद है कि यहाँ कुछ ऐसा हो पाएगा। आप क्या मानते हैं रोजगार को लेकर? जैसा कि ये बुंदेलखंड एरिया है, काफ़ी पिछड़ा एरिया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग हैं जो कृषि प्रधान, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होती है, लेकिन सूखा के समय में हमारे किसान, हमारे लगभग 60-70% लोग जो हैं दिल्ली और बाहर जाने का काम कर रहे हैं। इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं फिलहाल बेरोजगारी पर बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर बताइए रोजगार को लेकर क्या मौके हैं टीकमगढ़ में? रोजगार को लेकर ये मौके हैं, आदमी कहता है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है, मानता हूँ बेरोजगारी आज ज़्यादा है। क्या पहले बेरोजगार आदमी थे नहीं? क्या पहले रोजगार था क्या? आत्मनिर्भर सम्मान पाने के लिए आपको स्वयं फील्ड पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सर, आप लोग कोई बेरोजगारी नहीं है, हैं आत्मनिर्भर बने, यही हमारी पहचान है। चलिए, आत्मनिर्भर बने ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, आप क्या मानते हैं सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये थोड़ा सा मेरे विषय से अलग है क्योंकि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं तो उससे संबंधित मैं आता हूं आपके पास। मैं और युवा भी कुछ मेरे साथ बैठे हैं। आप बताइए रोजगार को लेकर क्या साधन मौजूद हैं टीकमगढ़ जिले में? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बार बार कांग्रेस की तरफ से भी ये हमले होते हैं कि मध्य प्रदेश में उस तरीके से रोजगार नहीं मिल पाया। रोजगार है और मिल रहा है। अभी अपने मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख वैकेंसी निकाली हैं और उनको भरने का काम भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी दम लगा के रोजगार दिलाया जा रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो दावे किए जा रहे हैं कि रोजगार बेहतर तरीके से मिल रहा है टीकमगढ़ में? रोजगार बरकत तरीके से मिल रहा है। भाजपा ने जो बोला है वो काम करके दे रहे हैं और ये हवा हवाई बातें हैं जो कांग्रेस कर रहे हैं, बाकी सब काम हो रहे हैं युवा। चलिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि बेहतर काम हो रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में और रोजगार
मिल रहा है। मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, आप बताइए बेरोजगारी की क्या स्थिति है टीकमगढ़ जिले में। नवीन जी, आप तो ये देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे आपके पास है। 3.5 करोड़ युवा हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 3.5 करोड़ में से आपने स्वयं अपने सर्वे से बताया कि 47 लाख युवा तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। आज रोजगार की स्थिति इतनी ख़राब है, आप देख लीजिए 20 साल से इतनी स्कीमें बीजेपी चलाती है, और जब उन स्कीमों को लेके अपना युवा बैंक में जाता है, कहता है कि भैया हमें आप रोजगार दीजिए, हमें बिजनेस के लिए लोन दीजिए, तो बैंक वाले कहते हैं भैया पहले ज़मीन तो ले आओ। मतलब ये स्थिति है कि आज रोटी कपड़ा मकान की स्थिति बन गई है। इतने सालों में कांग्रेस ने जो सुधार किया था, आज भाजपा के शासन में 20 साल में युवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सर्वेस देख लीजिए, अब हमने आपके खुद के सर्वे। मैं और भी कुछ युवा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बेरोजगारी की क्या स्थिति देख रहे हैं आप टीकमगढ़ जिले में? जी, टीकमगढ़ जिले में नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में, समूचे भारत में ये बहुत बड़ी इशू है बेरोजगारी का, क्योंकि वादे करे जाते हैं, 1000 पूरे नहीं करे जाते एक। तो युवा बेरोजगार है, परेशान है, रोड पे गलत रास्ते पर जा रहा है, और ये झूठे वादे करना ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 1 लाख शासकीय नौकरियां देंगे, दे रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जब सोते हैं, सो के उठते हैं, वो एक नई घोषणा कर देते हैं, तो उनने जो बातें की हैं उसके बारे में तो बात ही ना करें, उनसे घोटालों के बारे में बात करी जाए, कितने घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में। चलिए मैं बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब ले लेता हूँ। सर, शिवराज जी कह रहे हैं कि 1 लाख रोजगार शासकीय नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ घपले घोटाले हो रहे हैं सरकार में। ये कभी इत्तेफाक कैसे रखेंगे भाजपा के कई बातों पे? शिवराज जी ने तो करके दिखाया है, ऑन रिकॉर्ड है, ये ITI लगा दे कि कितनी नौकरियां दी, 1 लाख का वादा किया, 1 लाख से ज्यादा देंगे, और यही नहीं देंगे, केंद्र में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर बार आपने देखा होगा नियुक्ति पत्र बांट रहे, अभी सीएम हाउस में भी जो नौकरियां दी गई उनको सबके सामने नियुक्ति पत्र दिए गए, सीएम हाउस बुलाकर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार युवाओं की पार्टी है और युवाओं के लिए काम कर रही है। सीखो कमाओ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये कहते थे हम 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 महीने में 1 कौड़ी नहीं दी इन्होंने बेरोजगारों को। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीखिए और कमाइए 8000, 8500, 10000, इस तरह का स्टेप। 15 महीने का भी जवाब ले लेता हूँ, 15 महीने का भी जवाब लेता हूँ। मेरे साथ पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह जी हैं। सर, 15 महीने की आप लोगों की सरकार रही, ये बार बार ये दावा किया जाता रहा कि 15 महीने में आप लोगों ने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ दावे किए और सिर्फ बयान दिए। बैठना नहीं, अच्छा जी आप लीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए ऐसा है कि 15 महीने जो कमलनाथ जी को मिले थे, जो भी उनने वादे किए थे, चाहे कर्जा माफी का वादा हो, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की बात की थी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो 27% आरक्षण खत्म हो गया, और उसमें जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिल पाई। कर्ज माफी के मामले में हम लोगों ने जो है लगभग 50,000 के कर्जे हर किसान के माफ कर दिए थे, जैसे ही हम लोग 1 लाख। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, आप पहले एक बार सफाई दे दीजिए। 15 महीनों की सरकार में आप लोगों ने रोजगार को लेकर क्या किया? 27% आरक्षण देने की बात थी, वो रोजगार के लिए थी, वो कोई हंसने के लिए नहीं थी, मजाक करने के लिए नहीं थी, वो रोजगार देने के लिए बात थी, और उसके ऊपर इन लोगों ने सरकार गिरा दी, गलत तरीके से सरकार गिरा दी, तो हम लोग उस पर आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल, सरकार गिरा दी और सत्ता में वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी है, कांग्रेस का वचन पत्र आने वाला है, और कांग्रेस की कोशिश है कि बेरोजगार जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको किसी भी तरीके से वक्त रहते साधा जाए। फिलहाल चुनाव में 4 महीने बचे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, कुछ बड़े वादे किए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि सत्ता में लौटते ही किसानों की कर्ज माफी होगी, खासकर किसानों के लिए कई सारी सौगातों का ऐलान किया है कि सत्ता में लौटते ही वापसी होगी। मैं कुछ किसान नेताओं से भी बात कर लेता हूं, किसान कांग्रेस से उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कुछ बड़े वादे किए हैं कमलनाथ जी ने। जो वादे किए हैं वो निभाए जाएंगे, एक बार हम लोगों को आने तो दो, और हम लोग इस बार आएंगे और पूरे वादे निभाए जाएंगे। जो वादे करते हैं वो निभाए जाते हैं। जिस दिन कर्ज माफी की बात हुई थी और जैसे ही सत्ता में आए थे कर्ज माफी तुरंत हो गई थी, और आज अगर होते थे एक एक किसान का कर्ज माफ हो जाता। कमला जी कह रहे हैं कि सत्ता में लौटते ही जो बाकी की किश्तें बची हैं वो भी माफ करेंगे, बिजली किसानों को 12 घंटे मिलेगी, और साथ ही साथ उनको 5 हॉर्स पावर तक का जो भी उनका किराया है, कुछ ऐसे आज घोषणाएं की हैं। बिल्कुल, जो घोषणाएं की हैं वो हमारी सरकार पूरी करेगी, माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल पूरी करेंगे। आपके इन्हीं वादों पे तो बीजेपी को यकीन नहीं होता है, बीजेपी बार बार यही कहती है कि 15 जो वादे आप लोगों ने किए थे वो निभाए नहीं। 15 महीने, 15 महीने में क्या क्या निभा सकते? एक तरफ से सुधार कर रहे थे, चालू कर रहे थे काम, इतने में
हमारी सरकार गिरा दी गई और तीन बाय इलेक्शन हुए इस बीच में, तो इस वजह से ये सब परेशानी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी जो वादे किए हैं पूरे करे जाएंगे, तब विश्वास है हम सब लोगों को। जी बिल्कुल, कांग्रेस को विश्वास है कि सत्ता में लौटते ही सारे वादे पूरे होंगे। मेरे साथ कुछ किसान, खेती किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। आप सर बात करना चाह रहे थे किसानों के मुद्दे पे। कांग्रेस ने आज वादा किया है, बड़े वादे किए हैं, किसानों का कर्जा माफ होगा और 12 घंटे उनको बिजली मिलेगी। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरे समझ में जो आ रहा है कि इस समय देश में अगर पूरा किसान किसी भी चीज़ से वंचित है, सारी सरकारों ने उसका शोषण किया है। किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित जिस दिन करने लगेगा उस दिन किसान समर्थवान बन जाएगा। इसको लेकर के भारतीय किसान संघ पूरे ज़िले में एक आंदोलन छेड़ चुका है। अभी मैं तहसील लिदौरा की बैठक लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ पे ये हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है कि किसान समर्थवान बने, वो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित स्वयं करने लगे, अपनी सब्जी का मूल्य स्वयं निर्धारित करने लगे, तो सरकारों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसान स्वयं इतना समर्थवान बन जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस की नज़र में किसान ही क्यों हैं? दोनों की कोशिश रहती है कि किसान किसी तरीके से उनके फेवर में आ जाए और सत्ता में वापसी हो जाए, क्योंकि देश में लगभग 70-80% जो आबादी है वो किसानों की है, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको लेकर के दोनों ही पार्टियां उस पर अपना दाव खेलना चाहती हैं। चलिए, किसानों के अलावा महिला सुरक्षा और महिलाओं को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं। मेरे साथ कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपको कहा था, मैंने हाथ उठाई। जी, मेरे घर में लगभग जितने परिवार में सदस्य सभी किसान हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनने पे हमारे पूरे घर में जो लोग भी 50,000 के कर्जदार थे उनके कर्ज माफ़ हुए। जो DAP खाद वगैरह 700-800 में मिलते थे, आज 2,000 रुपये में मिल रहे हैं। यूरिया 100-150 में मिलता था, 350 रुपये में मिल रहा। डीजल 60-65 रुपये मिलता था, जो आज 100 रुपये। महंगाई किसान को बड़ी है। कमलनाथ जी से बहुत आशा थी और उनने काफ़ी हद तक मदद की है। और जो किसान सम्मान निधि का झूठा जो वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री देते हैं 4,000 रुपये साल, आज तक किसी किसान को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान निधि नहीं मिली, प्रधानमंत्री वाली जरूर मिलती है। जो झूठ बोलते शिवराज सिंह और बार हमें झूठी घोषणाएं करते, हम किसानों को बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं है। झूठ क्यों बोलते हैं, आपको क्या लगता है वो झूठ क्यों बोलते हैं? आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं वो आपको मिल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री वाले 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जो शिवराज सिंह वाले हैं वो 4,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं किसी किसान को। शिवराज सिंह ने केवल झूठी घोषणा कर दी कि हम 4,000 देंगे। अभी उनका फिर से एक दिन बयान था कि हम जितने प्रधानमंत्री देते उतना देते। जब उनने 4,000 नहीं दिए तो हम लोगों को 6,000 का भी उन पर भरोसा नहीं है। जे कोई भी शिवराज जी पे आज की डेट में भरोसा नहीं करना चाहता। धन्यवाद। शिवराज जी पर भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला। एक बार फिर बात कर लेता हूं मैं, क्या वाकई पैसा नहीं मिला? मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, ये तो गलत कहना है। इसकी भारतीय किसान संघ ने ही मांग की थी माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। जिस समय कोरोना था, भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल भोपाल में शिवराज जी से मिला था और 4,000 की उनने राशि की थी। फिर हमने अपना आंदोलन भोपाल में किया था जिसमें 2,000 रुपये और बढ़वाए और अब 6,000 रुपये। इसका 6,000 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके संगठन ने क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल, मैं तो अपने इसमें मैसेज दिखा सकता हूँ जो मेरे पास 2,000 आए हैं। मुझे खुद सम्मान निधि का लिया। ठीक है, आपको भी सम्मान निधि मिली है, मैं सत्ता पक्ष से जवाब ले लेता हूँ। सर, किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ किसान ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री वाला पैसा मिल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री वाला पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, और पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने 4,000 रुपये, फिर अब वो 6,000 से 12। उनका अगर वो किसान हैं उनका उनको प्रधानमंत्री की मिल रही है तो 6,000 वो भी मिल रहा होगा। एक बार उनकी पासबुक दिखवा लें जिसमें पैसा पहुँच रहा है। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम सत्यता आनी चाहिए सामने। हाँ सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं जो आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अगर वो कॉमन मैन है वो कांग्रेस का नहीं, नए प्रधानमंत्री का मिल रहा है तो उन्हीं को तो शिवराज जी 4,000 दे रहे थे, अब उन्होंने कहा 6,000 और देंगे, उसी खाते में तो 12,000 जाना है। और इस जिले में करीब 1,60,000 लोगों को मिल रहा है किसानों को, और 11,000 किसानों का 15 करोड़ ब्याज माफ हुआ है जिसकी ये बात कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी ने कुछ ऐलान किए हैं, क्या लगता है कितना गेम चेंजर होगा? देखिए आप, कमलनाथ जी तो आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहेंगे, 15 महीने में पूरा कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि बात तो सुनिए, पूरा एक वित्तीय वर्ष मिला था, पूरा बजट बनाने को मिला था, उसमें इन सबको कुछ नहीं दिया। छोटे छोटे 10-10, 20-20 हजार के कर्जे माफ कर दिए, 2 लाख की बात की थी। और पूरी मैं कह रहा हूँ ना, 11,000 किसानों का
15 करोड़ ऋण माफ, ब्याज माफ हुआ है, इनसे पूछे इनका हुआ है कि नहीं हुआ। ऋण माफ करना ज्यादा जरूरी है कि ब्याज माफ करना? आज कमलनाथ जी ने कहा है कि ऋण से ज्यादा जरूरी है कि मूल धन जो है वो माफ करें। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार किसानों पे अत्याचार हुए, मंदसौर का गोलीकांड हो चाहे किसानों के ऊपर लगातार अत्याचारों की बात हो। कमलनाथ जी ने कर्जा माफी प्रारंभ किया, 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए और भाजपा ने आके कर्जा माफी रोक दी। भाजपा के मंत्री कहते थे किसानों के ऊपर कर्जा है ही नहीं, और जब 27 लाख किसानों के कर्जा माफ हुए विधानसभा में कमल पटेल को स्वीकार करना पड़ा, कमल पटेल को स्वीकार करना पड़ा। और आपकी सरकार ने वो कर्जा माफी क्यों रोक दी? कर्जा माफी क्यों रोक दी? आपकी सरकार ने कर्जा माफी का पैसा विधायक खरीदी में लगाया और विधायक खरीद करके लोकतंत्र को खरीदा। जिस पैसे से कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे उस पैसे से आपकी सरकार खरीदी गई, आपके लोगों ने विधायक खरीदे और लोकतंत्र की हत्या कर। आप 1 से 10 तक क्या कह रहे थे सर? 1 वर्ष 3 माह का इनको समय मिला और राहुल गांधी मंच से बोले थे 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनने के बाद 10 दिन में किसान का कर्जा माफ होगा। कितने दिन होते हैं? 1 साल में ही 365 होते हैं। कांग्रेसियों को गिनती नहीं आती है क्या? 15 महीनों में 2 वित्तीय वर्ष इनको मिले हैं, उसके बावजूद ये युवाओं को बेरोजगारी रखा इन लोगों ने। कहां बेरोजगार की बात करते थे ये लोग अभी? ये भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा कर्मी से बात हो, चाहे संविदा के कर्मचारियों की बात हो, चाहे अभी युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी बात करती है। इनके समय में कहां रोजगार मिला किसको? आपकी सरकार ने खुद ये माना है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, विधानसभा में कमल पटेल ने जवाब दिया। बिल्कुल, भाजपा जो कहती है वो करती है। किसान सम्मान निधि कांग्रेस वाले ले रहे हैं और नकार रहे हैं। भाजपा मतलब आप भी मान रहे हैं कर्जा माफ हुआ है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस कभी अपनी बात पर रहती नहीं, उसने कुछ यही जवाब तो कृषि मंत्री ने दिया है लिखित में। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे झूठे काम। भाजपा जो कहती है वो करती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के लिए कर्जा ले रही है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा इस सरकार ने। कर्जा माफी योजना बंद करी, गौशाला योजना बंद करी, सस्ते बिजली बंद करी और सभी तरह की गरीबों को मिलने वाली रियायतें बंद करी। केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए कर्जा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को जनता पहचान चुकी है और जनता आपको सबक सिखाएगी। सर, 3.3 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश में। आज भी कमलनाथ जी ने उस 3.3 लाख करोड़ के कर्जे की बात की है। पिछली बार भी झूठ ही बार 150 सीटें प्लस आप कहिए सर, कर्जा चुका भी कभी कर्जा ले रहे? ऐसा है कि अभी तक प्रदेश के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। हर 3 महीने में 200 और 300 करोड़ रुपए तक का कर्जा शिवराज की सरकार ले रही है। एक तरफ आप लोग कहते हो कि केजरीवाल की जो रेवड़ी बांटने की पॉलिसी है वो जो है उसके कारण देश गर्त में जा रहा है, दूसरी तरफ शिवराज कर्ज के ऊपर कर्जा लेते। एक मिनट, आप रुकिए, आप बात नहीं करेंगे इस तरीके से, बात नहीं करेंगे हम, सर नहीं करेंगे इस तरीके से बात। आप शिवराज एक के बाद एक जो कर्जा लेते चले जा रहे हैं उसका अंत में कहाँ पे मार पड़नी है? उसकी मार भी तो जो है जनता ही के ऊपर पड़नी है। और जनता को घपले घोटाले की बात हो रही है, घपले घोटाले का जिक्र हो रहा है, आपको लगता है क्या स्थानीय स्तर पर भी यहाँ भी बिना किसी रिश्वत दिए काम होते हैं? आज टीकमगढ़ के अंदर एक भी काम ऐसा नहीं है, चाहे तहसील हो, चाहे SDM हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, किसी भी ऑफिस में आम जनता का कोई भी काम है बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। जैसे आप, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे पिताजी नाम से जमीन थी और वो जमीन का परिवर्तन कराने भी आप नगर पालिका में जाओगे तो तहसीलदार और ADM बिना 1 लाख 2 लाख रुपए लिए बिना तो वो लेते मतलब परिवर्तन करते नहीं है। एक चीज इतना भ्रष्टाचार, दूसरी चीज भी सुने आप, एक चीज हो गई ये, दूसरी चीज ये कि अगर आपने किसी की जमीन किराए की है, किसी की जमीन आपने किराए की है तो आप नगर पाल में इसमें क्या नाम तहसील में तहसील में आप जाएंगे नाम परिवर्तन कराने के लिए, नाम परिवर्तन कराने तहसील में जाएंगे तो वो कहते संबंध 1857 की नकल लाओ, जबकि वो जमीन 10 बार में कई 10 बार परिवर्तन हो गया। और आप 2 लाख रुपया तहसीलदार को दो, ADM को दो तो संबंध 1817 की नकल खत्म और परिवर्तन जारी। इतना भ्रष्टाचार है भाजपा। भ्रष्टाचार के दावे किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बात कर लेते हैं, आधी आबादी हमारे साथ इस वक्त है। मैडम, ये भी कुछ जानकारी मुझे मिली है कि लगातार यहाँ पर बलात्कार के मामले बढ़े हैं।
नहीं, इस मामले में हमारे टीकमगढ़ में ऐसा कोई मामला नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई बलात्कार किसी महिला के या किसी बालिका के साथ होता है तो उसका तत्काल फांसी की सजा की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आप कितना मानती हैं मैडम बलात्कार के मामले जो बढ़े हैं? ये बिल्कुल झूठ है। जब से हमारी शिवराज जी की सरकार आई है हमारी बहनें सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। पहले मणिपुर की बात आप छोड़ो, पहले मध्य प्रदेश की जो बात हो रही है उसका इतिहास अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है वो मामला। जी मैं पूछ, मैं मैडम आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, रेप के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? लगातार निश्चित रूप से जब से भाजपा की सरकार है तब से ये केसेस जो महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, वो जो अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ महिलाएं और हमारे दलित भाई या दलित महिलाएं और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा है और ये कह लीजिए अपराधों में नंबर वन पे मध्य प्रदेश आ गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का कितना असर आप देख रही हैं? देखिए अभी चुनाव आ गए हैं तो ये लाडली बहना, अभी मैं आपको बता दूं मैं क्षेत्र से आ रही हूं और ये जो फॉर्म भर रहे थे महिलाएं हम लोगों के पास आकर के नाराज होकर बोल रही थी कि ये सिर्फ है ना हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इसमें, और 18 साल कह रहे हैं कि 21 साल अब चुनाव आ गया है तो इस तरह की जो है लालच दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन वो समझ रही हैं सारी बातें और कह रहे हैं कि 21 साल से जो कह रहे हैं तो क्या 18 से 21 साल की जो है बहनें वो लाडली। ठीक है ठीक है, मैं और बात कर लेता हूँ। लाडली बहना योजना का क्या असर देख रही हैं? बहुत ज़्यादा असर है। आज हमारी माताएं बहनें ज़्यादा खुश हैं कि वो अपने जो खर्चे हैं जो उनके किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे आज वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। और कांग्रेस की सरकार जो नारी सम्मान का जो पत्र बनवा रही है महिलाएं, किरण जी का कहना सही है, इसलिए गुस्सा हो रही थी कि आपने कुछ करके नहीं दिखाया नारी सम्मान। लाडली बहना के लाभार्थी हमारे साथ हैं और हर महीने 1000 रुपए आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक बताऊं, नारी सम्मान के नाम पे जो अभी फॉर्म भरे गए थे उनसे क्या हुआ, उनकी केवाईसी सभी लोगों ने जमा की, केवाईसी मतलब आधार कार्ड मोबाइल नंबर सब। अभी हम लोग तखा गांव में घूम रहे थे तो एक महिला के साथ फ्रॉड भी हुआ, उसको मुख्यमंत्री की किसी योजना के अकाउंट का पैसा आया, किसी ने OTP मांगा उसने दिया और उसका चला गया क्योंकि उसकी सारी KYC उसने नारी सम्मान के नाम 1500 के नाम से जो उन लोग से महिलाओं का जो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं वो सुविधाएं देने के लिए नहीं बल्कि फ्रॉड करने के लिए सारी चीजें इकट्ठी की जा रही है। 500 रुपए में सिलेंडर भी देने वाले हैं कमलनाथ जी सरकार में लौटते ही, वो कहाँ से देंगे? 15 महीने की जब सरकार झूठ बोलकर उन्होंने ली थी तो उन्होंने कहा था कि ऋण माफ हो गई है, क्या किया उन्होंने, खजाना खाली खजाना खाली। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1000 लाडली बहना को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अब वो आगे 3000 करने वाले हैं। चलिए कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? हमारे टीकमगढ़ जिले में नाबालिग बालिकाओं के साथ, आदिवासी बालिकाओं के साथ भटगोरा नाम के गांव में आदिवासी फर्जी छात्रावास में रेप और बलात्कार हुआ है। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी ना कोई सरकार कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है बलात्कार पर। जितना बड़ा टीकमगढ़ जिले में कांड हो गया वो कहीं नहीं हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है इतना बड़ा कांड। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? पहले तो आपने जहां से चर्चा शुरू की थी वो चर्चा भटक गई है। आपने रोजगार की बात की थी तो सर पूरे 1 घंटे रोजगार पे चर्चा नहीं करेंगे ना, शुरू में हो गया 10 मिनट तो मैं रोजगार की बात ना करूं क्या? नहीं बात हो गई है सर, आप थोड़ा स्थानीय, मैंने कहा था समय दे तो आप, मैं आऊंगा, नहीं देते समय मैं नहीं आता। चलिए बोलिए, अगर आपका चैनल महत्वपूर्ण है तो टीकमगढ़ की आवाज भी महत्वपूर्ण है, बोलिए ना। टीकमगढ़ की आवाज मैं हूँ और ये सारे लोग मेरी आवाज बन रहे हैं। टीकमगढ़ की बात ना भाजपा के लोगों से है ना कांग्रेस के लोगों से है, टीकमगढ़ के मुद्दे हैं। टीकमगढ़ में रोजगार तब स्थापित होगा जब यहाँ के राजस्थान की तर्ज पे यहाँ के जो विरासत है इतिहास है उसको उभारा जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि टीकमगढ़ की विरासत को नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। टीकमगढ़ की विरासत, टीकमगढ़ का इतिहास इतना समृद्ध है कि हमको बाहर से आयातित करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ की रानी गणेश कुंवर पूरा बुंदेलखंड नहीं पूरा देश जानता है कि यहाँ राम राजा सरकार को लाई थी। हमारे यहाँ टीकमगढ़ में विश्वान कुंवर जानती हैं जहाँ ने नेपाल में मंदिर बनवाया था। हमारे टीकमगढ़ के महाराज छत्रसाल की जन्म स्थली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि महाराजा छत्रसाल की जगह टीकमगढ़ के रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में सिंधिया की प्रतिमा लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है, काफी सुर्खियों में भी रहा, इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब लेने के पहले कांग्रेस का कुछ रिएक्शन भी ले लेते हैं। ज्योतिराय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा यहाँ लगाई गई सर्किट हाउस में, बड़ा विवाद भी हुआ। देखिए टीकमगढ़ का मुद्दा है ये, टीकमगढ़ में उनकी प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है ये बताइए, उनने क्या किया है टीकमगढ़ के लिए? टीकमगढ़ की टीकमगढ़ में प्रतिमा उसकी लगनी चाहिए जिसने टीकमगढ़ के लिए कुछ किया है। मैं एक चीज़ नारियों के बारे में बोलना चाहता हूँ, उनकी सुरक्षा के बारे में बोलना चाहता हूँ। यही वो भाजपा के नेता बैठे हैं और यही वो भाजपा की सरकार है जो अपना किसी कार्यक्रम करने के पहले कन्या पूजन करते हैं, लेकिन मणिपुर पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं और एक गाड़ी चलाते हैं रियर व्यू मिरर देख के। अगर कुछ भी बात करो, 18 साल से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है और 9 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन ये बात किसकी करेंगे? कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। आप कितना क्या मानते हैं कि जो उसका संधारण नहीं हो रहा, जो विरासत है टीकमगढ़? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने जो बात उठाई वो बिल्कुल ठीक बात है। आपको शायद ये ना पता हो कि हमारे यहाँ जो किले की जो एक दीवाल हुआ करती थी, जहाँ पर पार्क हुआ करता था, एक महिला स्कूल हुआ करता था, वो दीवाल गिरा दी गई, उसके बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारी पुरानी बावरियाँ पूर दी गई, जो आज हमारे लक्ष्मण रेगवार जी बता रहे थे कि पुराने नगर पालिका अध्यक्ष जो थे उनके समय में इतना घोटाला हुआ करता था कि जो पुरानी बावरियाँ थी उनको भर दिया गया। आज पीने के पानी की समस्या हम लोग को हो गई। तो धरोहर, देखिए धरोहर का मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री पे जाइए, आप देखिए किसी ना किसी कारण से उन चीजों को यहाँ पर बनाया गया था, इन बावरियों को बनाया गया था, आज वो सब खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेसियों के द्वारा जिन पुरानी इमारतों पर कब्जा किया गया था उन इमारतों को भारतीय जनता पार्टी ने खाली कराया। जिस परिसर में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। टीकमगढ़ के किसी भी कोने से आप प्रवेश कर जाओ, ये जो विकास दिखेगा वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अदरवाइज हमने देखा है दिग्विजय सिंह का शासनकाल, जब गड्ढों में सड़कें होती थी कि सड़कों में गड्ढे होते थे, पता नहीं था रोजगार किसको मिलता था, पता नहीं था। पुरानी बात हो गई है। सर ये बताइए, सिंधिया जी की प्रतिमा लगाने का क्या मकसद था? ऐसा है, माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा की जो बात आप कर रहे हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा भी यहाँ लगी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा यहाँ लगी है। उन्होंने अब कहें कि टीकमगढ़ के लिए क्या किया, तो उनके नाम से भी उद्यान है, और जिन्होंने टीकमगढ़ के लिए किया उनके लिए भी सामने टीकमगढ़ पार्क में वहां प्रतिमाएं लगा करके यहाँ के स्थानीय नेताओं को, स्थानीय समाज सेवियों को, स्थानीय क्रांतिकारियों को, स्थानीय साहित्यकारों को स्थान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रही, उन्होंने महिला के लिए 100% कंचमाल कहा था। ठीक ठीक, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कर लेते हैं सर, क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है टीकमगढ़ में? सुविधाएं तो शासन की नीति के अनुसार मिलती हैं, इसमें किसी को श्रेय देने की जरूरत ही नहीं है, शासन जैसी नीति बनाती है उसी आधार पर सुविधाएं मिलती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत आसानी से मरीजों को तुरंत रेफर कर दिया जाता है दूसरे शहरों में, झांसी के लिए, ग्वालियर के लिए। मैं समझा नहीं आप। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है टीकमगढ़ जिला अस्पताल में? हाँ ऐसा है, अभाव है डॉक्टरों का, तो अभाव है, ये पिछड़ा क्षेत्र है, हर मामले में अभाव है, किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में पीछे जी। हम टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। जिला अस्पताल टीकमगढ़ में आज लगभग 10 से 15 सालों से अल्ट्रासाउंड की मशीन स्थापित नहीं हो पाई है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं बार बार शासन प्रशासन से, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि कम से कम टीकमगढ़ में चिकित्सकों की व्यवस्था करें, स्पेशलिस्टों की व्यवस्था करें, और जो प्रमुख जांचें हैं अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें हैं, आज 15 से 20 साल में अल्ट्रासाउंड की मशीन टीकमगढ़ अस्पताल में नहीं आई है, जिसका दोषी जिला प्रशासन है। भाजपा